मोबाइल का नेट चल रहा है इस वजह से ना, यानी कि लाइट ऑफ होने की वजह से ना। नहीं सर, वाकई में आवाज बहुत कट कट के आ रही है। वो इस वजह से आ रही है ना कि लाइट का इशू। चलो यानी हो, हम स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है। हमने एडलर की थ्योरी को मुकम्मल पढ़ लिया है, ठीक है। ये निमरा अर्शद अपना माइक बंद कर ले और अभी स्क्रीन शो करवाता हूँ जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी लॉचार करें। पेज नंबर हाँ जी, ये अब हम ना स्क्रीन शो करवाने के लिए मैं आपको जा रहा हूँ। सबके सबके पास ये स्क्रीन शो हो रही है, बोलें तो सही। स्क्रीन शो हो रही है जी सर, आ रही है और आवाज भी सही आ रही है। जी सर, शो हो रही है। चलें जी, आज नो सर, आवाज नहीं आ रही। कैरन हॉर्न की कटकट की आवाज आ रही है। आज हमने स्टार्ट करना है कैरन हॉर्न ने। कैरन हॉर्न ने आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरन हॉर्न से मुतल्लक। कैरन हॉर्न ने 1885 में जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से 12 मील मगरिब में दरियाए एल्प के शुमार किनारे वाक़ गांव बलनकिनी में पैदा हुई थी। जर्मनी में यानी कि इसकी पैदाइश हुई थी कैरन हॉर्न की। और इसके जो फादर थे, इसको मैं ना अपनी पिक को साइड पे ले जाऊं ताकि आपको ना क्लियर तस्वीर। इसके वालद ब्रांडेड व्हीकल्स जो थे वो समुद्री कप्तान थे, यानी कि नेवी में थे, समुद्री कप्तान थे। ब्रांडेड व्हीकल्स जो थे वो समुद्री कप्तान थे। इसके अलावा जो हैम्बर्ग में वाक़ एक बड़ी शिपिंग लाइन में मुलाजम थे। होनी की वालदा क्लोटीराइड वैन जो थी वो डच थी, जर्मनी के एक मुमताज़ खानदान की रुकन थी। कैप्टन वॉकिस 18 साल के सीनियर की पिछली शादी। अब इसका जो कैप्टन वॉकिस था उसने 18 साल की शादी, पिछली जो शादी थी उसमें इसके 4 बच्चे थे फ्रॉम अ प्रीवियस मैरिज, यानी कि पिछली शादी से थे उसके 4 बच्चे थे। देयर फर्स्ट चाइल्ड वाज अ सन, उसका जो पहला बेटा था वो बेटा था। और इसके अलावा ब्रांडेड फॉलो 4 इयर्स लेटर बाय कैरन इनकम, और ब्रांडेड इसके 4 साल बाद कैरन का था, यानी कि कैरन इसके 4 साल के बाद हुई थी। जो पहला था उसका नाम ब्रांडेड था और इसके 4 साल के बाद कैरन की पैदाइश हुई। एज अ चाइल्ड कैरन हैड एंड एम्बिवेलेंट फीलिंग्स टुवर्ड्स हर फादर, पर बचपन में ही कैरन को अपने वालिद के बारे में कुछ मुबहम यानी कि जिस पे शक व शुबहात वाले जज्बात थे। ही टुक हर ऑन सेवरल बोट ट्रिप्स विद हिम, वो इसको अपने साथ कई कश्तियों में लेके गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमें इसके साथ कश्ती रानी के कई दौरों पर लेके गया। और इसने समुद्री
और सफर और जिंदगी के बारे में एक अफाकी नुक्ता पेश किया। इसके अलावा वो इससे दिल की गहराइयों से प्यार करती थी, लेकिन इसके सख्त खुदनेक तरीके से बहुत ज्यादा खौफजदा थी। एक बेकस जो था वो एक परहेजगार बंदा था, और इसके अलावा मजहबी बुनियाद प्रस्त था जो पुख्ता यकीन रखता था कि जी औरतें मर्दों से कमतर हैं, यानी कि इसने फीमेल्स को कमतर कंसीडर किया था मर्दों की निस्बत। और इसके अलावा इन्होंने आज़ादी और मराआत देते हुए कैरन की सरगर्मियों को भी महदूद किया। डेट वुमेन वर इनफीरियर टू मैन, के जो औरतें हैं वो मर्दों से कमतर है। ही रिस्ट्रिक्टेड कैरन एक्टिविटीज, ने कैरन की जो और रोजमर्रा के काम काज थे उसको महदूद किया। वाइल ग्रांटिंग फ्रीडम, उसको आज़ादी देते हुए एंट्री विलेज टू हर ब्रदर, और इसके अलावा इसके भाई को इसने इनके अजायम बिलखसूस इसके तरीमे एदाद की सख्ती से मुखालफ किया, कि यानी कि इसका भाई जो था ना वो मुखालफत करता था इसकी कि ये यानी कि पढ़ाई ना करे कैरन जो है। इसके अलावा कैरन ने डिसाइड, कैरन जब 13 साल की थी तो इसने इस 13 साल की उम्र में फैसला किया कि वो तब की तलीम हासिल करेगी, यानी कि नफ्सियात दान बनेगी, साइकेट्री में तलीम हासिल करेगी, लेकिन इसके वालिद ने कहा कि वो इसकी तलीम की कीमत अदा नहीं करेगा। अपने वालिद की मुखालफत पर तलख कलामी करते हुए इसने शिकायत की, वो कौन है? मेरी सुतेली बाई की लखूश किस्मती से इसकी वालदा ज़्यादा हौसला अफजा थी, यानी कि वालदा की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट थी बजाय के भाई की तरफ से और वालद की तरफ से, क्योंकि भाई भी इसकी पढ़ाई के मुखालफ था, जिसकी वजह से इसने अपने फादर को कहा कि वो कौन होता है जो यानी कि मुझे इस चीज़ से रोकता है, और वालद जो था वो इसकी पढ़ाई की कीमत अदा नहीं कर सकता था। और इसे अपने वालद की आमरियत यानी कि अथॉरिटेटिव होने की वजह से इसे अपने वालद की आमरियत से बचाया, ताकि कैरन अपनी दवाइयों के मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गई। बिज़ाहर अगरचा वालदैन ने दोनों ही कैरन को ज़्यादा प्यार नहीं दिया था, वालदैन में से दोनों ही, चाहे वो अम्मी हो चाहे वो अबू हो, दोनों ने ही ज़्यादा उसको प्यार नहीं दिया था। अभी तक जितना पढ़ा ना, ये एक पेज जो है ना इसको पढ़े मेरा तो पसीने से बुरा हाल हो रहा है। इसको पढ़ें, बाकी हम फर्दर आगे देखते हैं।
अब वो यानी कि इसमें फॉर्चुनेटली हर मदर वाज मोर इनकरेजिंग, इसकी वालद जो है इसकी ज़्यादा हौसला अफजाई करती थी और इसने इसके वालद का जो अथॉरिटेरियन बिहेवियर था उससे इसकी हिफाजत की, सो डैट कैरन वाज एबल टू परसू हर गोल ऑफ मेडिसिन, ताकि वो अपने जो मेडिसिन से मुतलक वो स्टडी करना चाहती है वो कर सके। अपरेंटली थ्रू नीदर पेरेंट गेव कैरन मच अफेक्शन, बाहर देखने में तो दोनों ही माँ या बाप दोनों ही उसको ज्यादा प्यार नहीं दे सके। दस रेकर्ड बाय डोट अबाउट हर सेल्फ वर्थ, इसने शको शुबहात को जेन में लेते हुए अपनी माँ का जो गैर कानूनी यानी के गैर कानूनी तौर पर इसने अपनी वालदा को कबूल कर लिया और अपनी वालदा के साथ इसने रहना शुरू कर दिया एंड बिकेम अ क्लिंगी हाईली कंप्लेन डॉटर, और उसकी फरमाबरदार बेटी बन के रहना इसने शुरू कर दिया। मीन फीलिंग सेफ, जहाँ इसको बहुत ज़्यादा तहफ़ फील हुआ एंड वांटेड, और ये जो चाहती थी वो ओनली फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी वाज हाइटेड बाय हर परसेप्शन दैट शी वाज फिजिकली अनअट्रैक्टिव। इसके होनली जो थी, होनली को ये फील होता था कि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, फिजिकली ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से ये बाकी लोग भी उसको यानी कि इतना अच्छा कंसिडर नहीं करते, यानी कि उसमें एहसास कमतरी पाई जाती थी और ये एहसास बहुत हद तक बढ़ चुका था। वो जिस्मानी तौर पर नाखुशगवार थी, हालांकि दूसरों ने इसे इस तरह नहीं देखा था, जैसे कि वो सोच रहे थे कि शायद मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ, जिसकी वजह से लोग यानी कि उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लोगों ने इसे नज़रिए से देखा भी नहीं था, जिस नज़रिए के बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया था वो ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी हुई थी। और इसने अपनी तमाम तर तवानाइयां मुताले में लगा के इस मनफी जो सोच है इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया, और बहुत सालों बाद पीछे मुड़कर इसने कहा, अगर मैं खूबसूरत नहीं हो सकती तो मैंने फैसला किया है कि मैं होशियार रहूँगी, और खूबसूरती नहीं भी है ना तो कम से कम मैं होशियार ज़रूर रहूँगी, इसने ये फैसला किया। और उसके बाद जी सर आप बहुत ज्यादा प्योर उर्दू के वर्ड यूज करते हैं, थोड़ा सा इजी में वे में समझाते हैं। अच्छा, अब इसमें उसने कह दिया है कि जी लुकिंग जब लुकिंग बैक मैनी ईयर्स लेटर, जब वो काफ़ी सालों के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा, इफ आई कुड नॉट बी ब्यूटीफुल, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आई डिसाइडेड आई वुड बी स्मार्ट, तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं होशियार ज़रूर बनूंगी। होशियार का मतलब होता है ना आपको कि यानी कि स्मार्ट, एन एक्सीलेंट स्टूडेंट और एक जहीन तालब इल्म। होनी इंटर अ मेडिकल स्कूल इन फ्रीबर्ग इन 1906 में होनी जो है वो फ्रीबर्ग के एक मेडिकल स्कूल में उसने एडमिशन लिया। शी वॉज द ओनली वुमेन इन हर क्लास, वो अपनी क्लास में सिर्फ एक बहुत खतून थी। इन दिस मेल डोमिनेटेड एटमोसफेयर शी सा, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा जो थे वो मर्द हजरात थे क्लास में, तो उनका ज़्यादा यानी कि डोमिनेट थे वो। शी समटाइम फेल्ट डैट शी हैड टू प्रूव शी वॉज एज कम्पिटेंट एज इफ, वो उसने कई मरतबा ये साबित करने की कोशिश की वो भी इतनी ही कम्पिटेंट है जैसे कि दूसरे मेल स्टूडेंट है, इफ़ नॉट मोर द कम्पिटेंट देन हर मेल फ्रेंड्स, अगर वो ज़्यादा कम्पिटेंट नहीं है अपने मेल दोस्तों की निस्बत एंड एसोसिएट जो इसके साथ जिनके साथ वो बैठ के पढ़ते। येट हर सोशल लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज फुल एक्साइटिंग एंड रिवार्डिंग, ताहम इसकी जो माशरती ज़िंदगी है इस दुरानिया में बहुत ज़्यादा मुकम्मल और पुरजोश और यानी के इनाम वाली थी। उसके बाद आ गया जी, शी वॉज इंट्रोड्यूस द ऑस्कर होनी अ स्टूडेंट मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स एंड मेरिड हिम वाइल स्टिल इन मेडिकल ट्रेनिंग। अब ऑस्कर के साथ इसने शादी कर ली थी जब वो स्टूडेंट ही थी, अभी वो मेडिकल की तरी हासिल कर रही थी, जबकि वो बंदा जो था वो इकोनॉमिक्स था यानी कि बैंक वगैरह में काम करता था। आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, जैसे ही इसने अपना यानी कि पढ़ाई को ख़त्म किया, शी वाज एंड मैरिड सॉरी ऑस्कर वेंट टू वर्क इन एन इन्वेस्टमेंट फर्म, तो ऑस्कर ने जो है वो काम शुरू कर दिया एक इन्वेस्टमेंट
फर्म में एंड वाज प्रमोटेड रैपिडली टू मैनेजर ऑफ द कंपनी ऑपरेशन। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरक्की होती रही कि वो एक वक्त आया कि वो कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजर बन गया। इन दिस मेन टाइम इस वक्त में कैरन वाज फिनिशिंग हर मेडिकल स्टडी। कैरन ने अपनी मेडिकल की फिलिंग जो है वो मुकम्मल कर ली वाई ट्राइंग सिमल्टेनियसली टू फुलफिल द रोल ऑफ होम मेकर एंड मदर टू न्यूली बॉर्न डॉटर। और इसने इस दरमियान जो है वो घर के काम करने शुरू किए और नई एक बेटी की वो वालदा बन गई, यानी कि उसकी एक बेटी की पैदाइश हो गई। इसी दौरान जब उसने यानी कि ये पढ़ाई ख़त्म की और साथ उसने घर संभालना शुरू किया और इस दरमियान ही उसकी बेटी की पैदाइश हो गई। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। और पानी पीने जिन जिनके घर में लाइट नहीं है, चलें जी उसके बाद आप लोग आ जाएं। द कॉन्फ्लिक्ट इनहेरेंट इन दीज एक्टिविटीज इन सरगर्मियों में पाए जाने वाले तनाजात कपर्ड विद द डेथ ऑफ हर मदर और साथ साथ उसकी वालदा की वफात एंड इमर्जिंग डिफिकल्टी इन हर मैरिज और उसकी शादीशुदा जिंदगी में पैदा होने वाली मुश्किलात प्लज्ड होनी इनटू डिप्रेशन। उसने होनी को डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया एंड शी इंटर्ड थेरेपी विद साइको एनालिस्ट डॉक्टर कारल अब्राहम। कारल अब्राहम के साथ वो साइकोथेरेपी लेना शुरू की या थेरेपी में शमूलियत इख्तियार की। डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट ऑफ हर थेरेपी, जब उसको थेरेपी से कोई फायदा ना हुआ, कोई रिजल्ट अच्छा ना निकला, ओनली बिगेन टू क्वेश्चन द बेसिक टेनेट्स ऑफ साइको एनालिसिस। तो जो होनी ने ये सवाल करने शुरू कर दिया साइको एनालिसिस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनसे मुतल्लिक। फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक शी पार्टिसिपेटेड इन वीकली इवनिंग सेशन, कई सालों तक वो शाम को होने वाले सेशनों में शमूलियत इख्तियार करती रही विद अदर एनालिस्ट एट द डॉक्टर अब्राहम होम के साथ के घर में दूसरे एनालिस्ट के साथ वो शाम के सेशनों में उसने शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी। टू डिस्कस साइकोनेटिक कॉन्सेप्ट, जिसमें उसने नफ्सियात के नज़रियात को वो पर बहस करना शुरू की, उसके असूलों पे बात करना शुरू की, वो थेराप्यूटिक प्रैक्टिस पे बात करना शुरू की। दीज इनफॉर्मल सेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बर्लिन साइकोनेटिक इंस्टीट्यूट। अब ये जो मालूमात वाले सेशन थे, इसने बुनियाद रखी बर्लिन साइकोनेटिक इंस्टीट्यूट की, यानी कि इन सेशन की वजह से इन्होंने एक इंस्टीट्यूट कायम किया जिसका नाम था बर्लिन साइकोनेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ विच होनी रिमेंड एन एक्टिव मेंबर, जिसमें होनी भी शामिल थी एक्टिव मेंबर के तौर पर फ्रॉम 1982 अंटिल 1932। 1918 से लेकर 1932 तक होनी इस इंस्टीट्यूट में एक एक्टिव मेंबर के तौर पे खिदमत सर अंजाम देती रही। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस जो दौर के अंदर, शी आल्सो बिकेम मोर अनस्पोकन अबाउट द लिमिटेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स साइकोनेसिस। और इस पीरियड के अंदर वो उसने बहुत ज़्यादा यानी कि इसके मतलब भी बोला जो कि ऑर्थोडॉक्स साइकोनेसिस की लिमिटेशन है, उसका मतलब इसने काफ़ी कुछ बोला। शी बिलीव स्ट्रॉन्गली डैट प्राइड हैज प्लेस टू मच स्ट्रेस ऑन द रोड
played by the sexual instinct. इसका ये मानना था कि इसने इस चीज पे जोर दिया और कि फ्राइड जो था उसका उसका ज्यादा जोर किस पे था, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट पर था, कि वो बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी कुवतें होती हैं इंसान के अंदर जो कि बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर रही होती हैं, ये फ्राइड का मानना था। अब इसमें उसने कहा कि इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोसिस, न्यूरोसिस की डेवलपमेंट के वक्त उसने सेक्सुअल इंस्टिंक्ट पे बहुत ज्यादा अहम रोल अदा किया, एंड नॉट इनफ ऑन द कल्चर, ना उसने कल्चर पे भी इतना जोर नहीं दिया, ना सोशल पे माशर्ती जो हालात है उस पर इतना जोर दिया, डेट फोस्टर्ड पैथोलॉजी जो कि बीमारी का बायस बनते हैं। उसने सारा जोर किस पे दिया, सोशल इंस्टिंक्ट पे दिया, कि वो कुछ कुवतें होती हैं, उन कुवतों की सेटिस्फेक्शन में हम लगे रहते हैं, उसकी वजह से हमें न्यूरोसिस हो जाता है, जबकि उसने मुकम्मल तौर पर कल्चर और सोशल कंडीशन के बारे में बात भी नहीं की जो कि एक पैथोलॉजी बीमारी की वजह बन सकते हैं या बनते हैं, ये कैरन होने का मानना था। फॉर फ्राइड, फ्राइड के लिए न्यूरोसिस वाज एसेंशियली एन आउटग्रोथ ऑफ द पर्सनल इनएबिलिटी टू कोप विद सेक्सुअल इंपल्स एंड स्ट्राइविंग। अब इसका कहना था कि फ्राइड के नज़दीक न्यूरोसिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसी की वजह से एक पर्सन के अंदर सलाहियत पैदा होती है कि वो कोप कर सके, वो निमट सके सेक्सुअल इंपल्सिस के साथ और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चले, ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती है उनका सामना कर सके। पार होनी के मुताबिक न्यूरोसिस वाज प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ डिस्टर्ब्ड ह्यूमन रिलेशनशिप, जबकि होनी का ये मानना था कि न्यूरोसिस तब होता है जब हम इंसानों के आपस के तल्लुकात खराब हों, जिसकी वजह से न्यूरोसिस होता है। इन हर व्यू इसका इसके नज़रिए के मुताबिक न्यूरोसिस एंड सेक्सुअल डिस्टर्बेंस वाज ऑफन, के न्यूरोसिस और सेक्सुअल डिस्टर्बेंस जो होती थी वो अक्सर होती हैं, बट नॉट इनविटेबली इंटरवाइंड। और इसका ये कहना था कि जो होती ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि ज़रूरी तौर के हर वक्त, यानी कि जो अब भी न्यूरोसिस हो तो उसके पीछे यही वाली वजूहत हो, वैन दे वार इट वाज द न्यूरोसिस इज बेस्ड अपॉन द फॉल्टी करेक्टर स्ट्रक्चर डेट प्रोड्यूस इम्पेयरमेंट सेक्सुअल फंक्शन। अब इसने कहा न्यूरोसिस के पीछे क्या होता है, हमारा जो करेक्टर स्ट्रक्चर होता है ना वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट आ जाती है हमारी सेक्सुअल फंक्शनिंग में। फॉर फ्राइड, फ्राइड का ये मानना था इट वॉज द इम्पेयर्ड सेक्सुअल फंक्शनिंग, कि ये जो होता है सेक्सुअल फंक्शनिंग को वो खराब करता है, डेट वॉज द प्राइमरी काज ऑफ न्यूरोसिस, जो कि न्यूरोसिस की वजह से होता है। ओनली बिलीव डेट फर्दर डेट ईच कल्चर जनरेट इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ फियर्स इन इट्स मेंबर। ओनली का ये मानना था मजीद के हर जो कल्चर है ना वो अपने मेंबर, यानी कि उस कल्चर में जो लोग रहते हैं ना उनमें खास तरीके का एक यूनिक सेट ऑफ फियर जो है वो प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। इन वन कल्चर फियर माइट बी क्रिएटेड बाय नेचर, और एक कल्चर में ये भी हो सकता है जो फियर क्रिएट किया गया है वो फितरतन हो, यानी कि कुदरती हो। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे लिविंग एट द बेस ऑफ एन अनप्रिडिक्टेबल वोल्केनो और इन द टॉर्चरिंग डेजर्ट, अगर आप यानी कि किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जो कि यानी कि सहराई जगह है, या दूसरे लफ्ज में आप ये कह रहे हो, अच्छा जी नावर कल्चर अच्छा जी, हमारा इसने कहा कि जो हमारा कल्चर है ना उस पर ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो कंपटीशन पे किया जाता है, और एक बंदा जो गोल अचीव करता है या उसकी जो कामयाबियाँ होती हैं उस चीज़ पर किया जाता है, यही चीज़ें जो होती हैं वो लीड करती होती हैं कि हम कहीं फेल ना हो जाएं। हाँ, और यही चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर एहसास कमतरी पैदा करती हैं। एक जो आम बंदा होता है, नॉर्मल पर्सन जो होता है, होनी के मुताबिक वो इस काबिल होता है कि वो इन सारी जो ख़तरनाक सिचुएशन है या जो हमें थ्रेट कर दिया कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, इन सब सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने में हमारी मदद करता है, एंड ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज, और हमें इस काबिल बनाता है कि हम इनका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। व्हाट द कल्चर हैज टू ऑफर, जो हमारा
कल्चर हमें मुहैया कर रहा है उन चीज़ों का हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। द न्यूरोटिक इन कंट्रास्ट, जबकि न्यूरोटिक इसके बरक्स इज अनएबल टू एडजस्ट, वो इस काबिल नहीं होते कि वो इस वाली सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। एंड यूज डिफेंसिस रिजिडली, और ये सख्ती के साथ आगे से यानी कि डिफेंसिस वगैरह यूज करते हैं। और इनडिस्क्रिमिनेटरी टू लेसन हिज और हर फियर्स एंड फील सेव, और ये जो है जो भी यानी कि डर खौफ फील करते हैं, और इनडिस्क्रिमिनेटरी टू लेसन, और ये यानी कि ना रिजिड डिफेंस हो जाते हैं अगर कुछ गलत होने वाला ना तो उस पर, कि अगर ऐसा होगा तो वो इस वजह से होगा, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना शुरू कर देते हैं, वो सारे डिफेंस मैकेनिज्म उनमें से कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके वो इस फियर को वक्ती तौर पे ख़त्म कर देते हैं और अपने आप को महफूज समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत में वो फियर ख़त्म नहीं हुआ होता, सिर्फ वो डिफेंस की वजह से, डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से वो थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट ज़रूर हुआ होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ होगा। इस तरह से ये करके डिफेंसिव होके अपने आप को सेफ फील करवाते हैं। लाइट आ गई है, एक मिनट में लाइट चलाओ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरवूवन विद द प्रॉब्लम जनरेटेड बाय द लिविंग इन अ पर्टिकुलर कल्चर आर द प्रॉब्लम एंड फियर क्रिएटेड बाय द यूनिक सोशल एंड इंटरपर्सनल कंडीशन ऑफ अ पर्सनल लाइफ। किसी खास सकाफत में जिंदगी बसर करने से पैदा होने वाली परेशानियां और डर खौफ जो हैं वो इस वजह से पैदा होते हैं जब बंदे के जो आपस के इख्तलाफात जो उनकी पर्सनल लाइफ है या इंटरपर्सनल कंडीशंस हैं जो आपस में वो रहते हैं उनमें अगर कोई मसाइल पैदा हो जाए उसकी वजह से खौफ और मुश्किलात उस कल्चर में पैदा होना शुरू हो जाती है। मिसट्रीटमेंट बाय पेरेंट्स सिबलिंग पीयर, अगर वो अच्छे तरीके से बर्ताव ना करें या वालदैन का अच्छे तरीके से बर्ताव ना हो, बहन भाइयों का अच्छे तरीके से बर्ताव ना हो, आपके साथियों का अच्छे तरीके से बर्ताव ना हो, अथॉरिटी फिगर्स का अच्छे तरीके से बर्ताव ना हो, एंड अदर मे ऑल कंट्रीब्यूट इन कॉम्प्लिकेटेड फैशन टू मेल एडजस्टमेंट फंक्शन, और दूसरे लोग जो हैं वो इसमें यानी कि वजह बनते हैं कि हम सही तरीके से काम सर अंजाम ना दे सकें।
दस इन होनी जजमेंट होनी के मुताबिक सोशो कल्चर कंडीशन हैव अ ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल डिवेलपमेंट एंड फंक्शनिंग, कि जो हमारा सकाफती कल्चर है वो जो हमारे सकाफती कल्चर के हालात है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं किसी भी बंदे की डिवेलपमेंट में और उसकी फंक्शनिंग में। इम्फिसाइजिंग द रोल ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस इन द ऑनसेट ऑफ न्यूरोसिस, अब उसने कहा कि अगर हम ज़्यादा जो है सोशलाइजेशन के प्रोसेस पे जोर देंगे तो यही जो होती है वो वजह बनती है न्यूरोसिस की, एंड डी इम्फिसाइजिंग और हम उसको ख़त्म करते हैं बट नॉट एलिमिनेटिंग, हम उसको लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। द रोल ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के रोल को होनी बिगेन टू इंटरप्रेट मच ऑफ फ्राइड थिंकिंग, होनी ने भी कई चीज़ों का जो तजिया था वो फ्राइड के सोच की तरह ही किया था, इंक्लूडिंग हिज लिबिडो थेरी, उसकी जो लिबिडो थेरी जैसे कि जिनमें वो कौन कौन से यानी कि ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो फ्राइड से मिलती जुलती थी, वो एक तो आ गई लिबिडो थेरी, हिज थेरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डिवेलपमेंट एंड हिज थेरी ऑफ ऑफ थेरेपी, और उसकी जो थ्योरी थी थेरेपी से मतलब उसमें हर न्यू थेरी टर्मिनेटेड अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ डिबेट विद हर कलीग, इसकी जो नई थेरी थी वो उस वक्त मार्डव युग में आई जब इसने अपने साथियों के साथ बहुत ज़्यादा बहस मुबहसा किया, एंड स्टूडेंट एट द बर्लिन साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट, और स्टूडेंट्स के साथ बर्निंग साइकोनेटिक इंस्टीट्यूट में इसने एक नई यानी कि थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा आ गया जी, एंड कैन बी सीन इन इट्स इवेल्यूशनरी फॉर्म बाय रीडिंग हर बुक, और इसने इसकी यानी कि जो एवोल्यूशनरी फॉर्म थी उसने इस किताब को पढ़ के उसके मतलब भी बताया, और इसकी एक बुक थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके अंदर इसने एवोल्यूशनरी को भी एक्सप्लेन किया। इसके अलावा न्यूरोटिक पर्सनैलिटी ऑफ ऑल टाइम 1937 में इसने एक बुक लिखी, न्यू वेज इन साइकोनैलिसिस 1939 में लिखी, सेल्फ एनालिसिस 1942 में, आवर इनर कॉन्फ्लिक्ट 1945 में, न्यूरोसिस एंड ह्यूमन ग्रोथ 1950 में, एंड द पोस्टमस फेमिनी साइकोलॉजी 1967 में। इन 1932 ऑनी लेफ्ट द बर्लिन साइकोनेटिक इंस्टीट्यूट, इसने बर्लिन साइकोनेटिक इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया एंड केम टू द यूनाइटेड स्टेट, वहाँ ये अमेरिका में आ गई, वे शी बिकेम एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ द शिकागो साइकोनेटिक इंस्टीट्यूट, वहाँ वो शिकागो साइकोनेटिक इंस्टीट्यूट की एसोसिएट डायरेक्टर बन गई। टू ईयर्स लेटर, दो साल बाद ही शी मूव टू न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क चली गई टू इस्टेब्लिश अ प्राइवेट प्रैक्टिस, वहाँ उसने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, एंड टू वर्क एंड टीच कोर्स एट द न्यूयॉर्क साइकोनेटिक इंस्टीट्यूट, उसने काम के साथ साथ न्यूयॉर्क में साइकोनेटिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वाइल इन न्यूयॉर्क, जब वो न्यूयॉर्क में थी, शी हैड मैनी अपॉर्चुनिटी टू मीट एंड एक्सचेंज आइडिया विद द प्रोमिनेंट सोशल साइंटिस्ट, इसके पास बहुत ज़्यादा यानी कि सहूलत थी कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके जो मशहूर उस वक्त के सोशल साइंटिस्ट थे उनके साथ, इंक्लूडिंग रिच और फ्रॉम और क्रेरर थॉम्पसन और सुलिवन, ये भी यानी कि न्यू फ्राइडियन थी, और जॉन डोनाल्ड वगैरह, इन सब के साथ ये यानी कि ये जितने भी सोशल साइंटिस्ट थे इन सब के साथ इसने अपने मिली भी इन सब के साथ और इनके सब के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज भी किया, क्योंकि ये इसके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जब वो न्यूयॉर्क में थी। इट वाज आल्सो हेयर इन 1937 डेट शी डिवोर्स हर हस्बैंड, और 1937 में इसने अपने शोहर से तलाक ले ली। शी कंटिन्यू टू रिफाइन हर थ्योरीज, और इसने दोबारा से अपनी थ्योरीज को बेहतर बनाने में लग गए। टू राइट बुक्स, उसने कई किताबें लिखी एंड जनरल आर्टिकल, और बहुत से जनरल आर्टिकल भी लिखे, एंड टू गिव लेक्चर ऑन हर आइडियाज टू वेरियस प्रोफेशनल सोसाइटीज, और इसने अपने आइडिया से मुतलक बहुत से लेक्चर दिए प्रोफेशनल सोसाइटी इसमें मुख्तलिफ प्रोफेशनल सोसाइटी में, हर आइडियाज इसके जो आइडियाज थे अनफॉर्चुनेटली
ranked some of her more orthodox Freudian colleagues at the New York Psychoanalytic Institute. Psychoanalytic Institute में जो इसके Freudian colleagues थे, and eventually she felt obligated to resign. और जल्द ही इसने वहाँ से भी resign कर दिया. Several other members का, और क्योंकि इनके ideas को चुरा लिया गया था उधर Freudian के Freudian colleagues ने न्यूयॉर्क के अंदर, जिसकी वजह से इसने जल्द ही वहाँ से जो है वो रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया. और इसके कई मेंबर ऐसे थे इसी इंस्टीट्यूट के जो कि इसके साथ और इसके हक में थे. देखते देखते कि जब इसने रिज़ाइन दिया तो उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया इसकी फेवर में. शॉर्टली कुछ ही अर्से के बाद आफ्टर वर्ड शी हेल्प्ड फाउंड द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोनेसिस एज अ फीचर फॉर प्रमोटिंग हर ओन थेरीज. इसने यानी कि वहाँ पर अपने थेरीज को प्रमोट करना शुरू किया. शीज कैम्बेड टू कैंसर, और फिर इसको कैंसर की शिकायत हो गई इन 1952 1952 में आफ्टर अ लेंथी इलनेस, एक लंबे अरसे की बीमारी के बाद. इसको आप लोग पढ़